गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि अभी नया वैकेंसी आया है 2020 का। इसको कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है, सारे इंडिया के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है करीबन 4421 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। ओके, तो आज की वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 20/1/2020 से, और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 19/2/2020। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का जो डेट है अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कि आप देख सकते हैं राजस्थान पटवारी के लिए नया रिक्रूटमेंट आया है 2020 का। इसमें जो है करीबन 4421 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि पटवारी का पोस्ट है। इसमें जो है ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिसिप्लिन से, या कोपा किए हुए होना, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अगर आप हो फिर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। आपको हिंदी राइटिंग का नॉलेज होना देवनागरी स्क्रिप्ट में, और आपको राजस्थानी कल्चर का भी इसमें नॉलेज होना, ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करी जाए तो आपका एज जो है मिनिमम 18 ईयर रखा गया है, और मैक्सिमम आपका 40 साल रखा गया है 1 जनवरी 2020 को। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। सैलरी की बात करी जाए तो आपका 20,800 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। इसको सारे स्टेट के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 20/1/2020 से। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करी जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 450 रुपये रखी गई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे स्टेट के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका 450 रुपये फ़ी रहेगी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रिमिलियर वाले, उनको 350 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी। एससी एसटी अगर आप हो तो आपको 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आप एससी एसटी हो दूसरे स्टेट के हो तो आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करना है। ओके, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, उसमें आपका 5 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ये जो है टोटल 25% वेटेज कवर करेगा पूरा। इसमें आपका 38 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 76 मार्क दिए जाएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसका आपका 20% का वेटेज रहेगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क के लिए। ओके, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, इसका आपका 15% का वेटेज रहेगा, इसमें आपके टोटल 22 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 44 मार्क के रहेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इसका आपका 30% का वेटेज रहेगा, इसमें आपका टोटल 45 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स के रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर का आपका 10% का वेटेज रहेगा, जो कि आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 30 मार्क के लिए होगा। टोटल इन सभी सब्जेक्ट का 100% वेटेज रहेगा, इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, जो कि आपका 300 मार्क के लिए रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, इसी एग्जामिनेशन के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगे। ठीक है, इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3। ओके, 1/3 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसको अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो अपडेट कर दूंगा, क्योंकि 20 तारीख से अप्लाई हो रहा है तो उसको अपडेट कर दूंगा। इस नोटिफिकेशन का पूरा PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।